एक सोच होनी चाहिए। देखिए हेमंत जी, बिना रोए तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। बिल्कुल बिल्कुल, इच्छा तो जरूरी है ना। अब अगर आप इच्छा ही नहीं रखेंगे कुछ करने की, तब जो एक्चुअल जो ओरिजिनल सेल्समैन होता है वो अंधों के देश में जाके चश्मा बेच के आ सकता है और गंजों के देश में जाके कंघा बेच के आ सकता है। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। अगर आपको एक दिन का एक्सपीरियंस है तो आप उस मेरे साथ जुड़ेंगे तो आपका एक्सपीरियंस 37 साल और एक दिन का हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। इसका बिजनेस करने का जो तरीका है वो ये है कि कपड़े में कोई डिज़ाइन कभी फेल नहीं होता। अच्छा, डिज़ाइन रोज नए आते चलते हैं, चलते रहते हैं, 12-12 महीने डिज़ाइन चलते रहते हैं। क्या होता है, जैसे मैं आपको ये डिज़ाइन दिखाता हूँ जी, अब इसमें क्या है, ये नीचे का हटा दिया, ऊपर का सेम दे दिया, यहाँ पे लाइनें बना दी, तो ये डिज़ाइन नया हो गया। वही थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। कपड़े का जो काम है वो टोटल विश्वास पे चलता है, टोटल ट्रस्ट पे चलता है जी। कोई आदमी अपनी इन्वेस्टमेंट से अगर कपड़े का काम स्टार्ट करता है तो मैं उसको गारंटी करता हूँ, अगर उसमें थोड़ी काबिलियत है, थोड़ी बोलने की कला है और थोड़ी मेहनत और हुनर है, वो तो जरूरी है। जितनी वो इन्वेस्टमेंट मिनिमम से मिनिमम करेगा, विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज वो इन्वेस्टमेंट पलट के उसके घर में वापस आ जाएगी। हेलो व्यूवर्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, खुश आमदीद, कैसे हैं आप सब। हेमंत जोन लाइफस्टाइल देखने वाले, जैसे कि काफ़ी सारे लोग मुझे बोलते हैं मोटिवेशनल वीडियोस और बनाइए और बनाइए और बनाइए, मैं कोशिश करता रहता हूँ, फिर भी एक दो वीडियोस आपको वीक में मिलाकर दे ही देता हूँ। आज जो है मेरे साथ में रहेंगे आपका राधे राधे टेक्सटाइल्स, जो कि है आपका चिराखाना माता वाली गली दिल्ली के अंदर, और यहाँ पर मेरे साथ में जो इनके ऑनर हैं मिस्टर प्रवीण जी रहेंगे। लगभग 100-120 साल पुरानी इनकी यहाँ पर जो है दुकान है। और सर कैसे हैं आप? बहुत जी। थोड़ा सा सर आज की वीडियो में मेरे जो व्यूवर्स हैं मेरे से डिमांड करते हैं कि हम बिज़नेस कैसे स्टार्ट करें, हमें नॉलेज नहीं है, हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, हमें कपड़े की भी नॉलेज नहीं है। मैं आपकी काफ़ी वीडियोस देखता हूँ हेमंत जी, तो आप बताते हैं अच्छी अच्छी बातें, मगर हम इसको स्टार्ट कैसे करें, कितनी इन्वेस्टमेंट से करें, घर से करें, दुकान से करें, ऑनलाइन करें, आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ मेरे थोड़ा सा व्यूवर्स को। पहले तो आप अपने बारे में बताइए कैसे कैसे आपने स्टार्ट किया और आप कैसे कैसे जो है नॉलेज देंगे। नमस्कार व्यूअर्स, मेरा नाम प्रवीण कुमार है, आई एम द ओनर ऑफ मेसर्स राधे राधे टेक्सटाइल जी। दिस इज द 120 ईयर्स ओल्ड फर्म इन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग जी। वी आर नॉट ट्रेडर, वी आर बेसिकली मैन्युफैक्चरर फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ आवर बिजनेस। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कपड़े का काम है, कपड़े की सबसे जो खास बात है कि कपड़ा अगर महीने, 2 महीने, 6 महीने या साल भर भी आपके पास रह जाए तो वो ख़राब नहीं होता। आप किसी भी बिज़नेस को अगर आप स्टार्ट करते हैं और किसी भी बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे बड़ा जो डाउट आपके मन में रहता है कि अगर ये मेरा कपड़ा, मेरा कोई भी प्रोडक्ट जो मैंने खरीदा है अपने बिज़नेस के लिए, अगर वो नहीं बिका तो वो ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। आप किसी भी चीज़ से कंपेयर कीजिए, सोना हो, चांदी हो, पेपर हो, लोहा हो, कुछ भी खाने पीने की कोई भी आइटम हो, हर चीज़ 10 दिन में, 5 दिन में, 15 दिन में धीरे धीरे नेगेटिव इम्पैक्ट की तरफ बढ़ती है। कपड़े का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि कपड़ा कभी भी नेगेटिव इम्पैक्ट की तरफ नहीं बढ़ता, कपड़ा जिस दिन बिकता है 2 पैसे प्रॉफिट देके ही जाता है, नुकसान कभी नहीं, कभी नहीं नुकसान देगा। कपड़े के काम में कोई आदमी 100 साल भी अगर काम कर ले तो वो कपड़े की पहचान नहीं कर सकता। कपड़े का जो बेसिक है वो ये है कि कपड़े में गिनती की 4 या 5 आइटम होती है। कॉटन हो गया, इंडो हो गया, ग्लेस कॉटन हो गया, चंदेरी कॉटन हो गया, इस टाइप की आइटम्स होती हैं। तो हाँ, चंदेरी कॉटन पे अगर आप कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे तो वही कपड़ा चंदेरी पे 200 रुपये का है, वही 300 रुपये का, वही 400 रुपये का। ठीक है, तो कोई आदमी कैसे उसका डिफरेंस करेगा कि 200 का है कि 300 का है, 400 का। नॉलेज है। कपड़े का जो काम है वो टोटल विश्वास पे चलता है, टोटल ट्रस्ट पे चलता है जी। कोई आदमी अपनी इन्वेस्टमेंट से अगर कपड़े का काम स्टार्ट करता है तो मैं उसको गारंटी करता हूँ, अगर उसमें थोड़ी काबिलियत है, थोड़ी बोलने की कला है और थोड़ी मेहनत और हुनर है, वो तो जरूरी है। जितनी वो इन्वेस्टमेंट मिनिमम से मिनिमम करेगा, विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज वो इन्वेस्टमेंट पलट के उसके घर में वापस आ जाएगी। उसका जो कैपिटल है वो कैपिटल की शक्ल में रहेगा, प्रॉफिटेबिलिटी उसके घर में, जितनी उसने इन्वेस्टमेंट करी है वो उसके घर में वापस आ जाएगी। करने वाले में कैपेबिलिटी होनी चाहिए, एक सोच होनी चाहिए। देखिए हेमंत जी, बिना रोए तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। बिल्कुल बिल्कुल, इच्छा तो जरूरी है ना। अब अगर आप इच्छा ही नहीं रखेंगे कुछ करने की, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मान के चलिए किसी आदमी ने 25,000 रुपये की मिनिमम इन्वेस्टमेंट से कपड़े का बिजनेस स्टार्ट शुरू किया, वो 200 रुपये से स्टार्ट करता है और 400 रुपये तक जाता है, तो एवरेज जो आई 200 और 400 की आई 300 रुपये की। 300 रुपये में 25,000 से डिवाइड करेंगे तो कम से कम 84 सूट आपके आराम से आप परचेस कर सकते हैं। 84 सूट आप परचेस करके उसमें कॉटन, चंदेरी, जॉर्जेट,
मिनिमम 200 रुपए से स्टार्ट करके 400 450 तक की रेंज लेके जाते हैं। हर आइटम के 4-4 8-8 सूट लेके जाते हैं। हाँ जी, मार्केट से आप जो 200 रुपए का या 250 रुपए का सूट परचेस करेंगे वो आपके घर में 300 या 350 रुपए का कॉस्ट करेंगे। ठीक है, मेरे यहाँ से अगर आप वो सूट परचेस करेंगे तो जो रेंज मेरी 200 वाली है वो आपको 200 की मिलेगी। अगर मान के चलिए आप मिनिमम उसको 250 रुपए का सेल करते हैं तो एक सूट पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी आई 50 रुपए। ठीक है, 200 रुपए की आइटम, 350 रुपए की आइटम परचेस करते हैं उस पर 70-80 रुपए का प्रॉफिट रखिए तो एवरेज जो प्रॉफिट की आपकी आएगी वो 15 से लेके 25% की। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, 15 से लेके 25% की प्रॉफिटेबिलिटी में अगर कोई आदमी मरे से मरा 5,000 का या 4,000 का भी एवरेज कपड़ा, मैं कह रहा 3,000 का भी एवरेज कपड़ा निकालता है तो 3,000 में अगर 20% का प्रॉफिट उसने निकाला तो हेमंत जी कितना हुआ, 600 रुपये हुआ। 600 रुपये हुआ, उसको 25 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 5 दिन वो छुट्टी रखता है 25 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,000 की इन्वेस्टमेंट में 15,000 रुपये उसने कमाए। और सूट कितने बेचने पड़े उसको, 8 से लेके सिर्फ 10। नॉर्मल बिल्कुल ठीक है। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशंस होती हैं, आपको मैन्युफैक्चरर्स ही दे पाते हैं, वही आपको समझा पाते हैं, वही आपको बता पाते हैं जिनको इस चीज़ की नॉलेज है, जिन्होंने इस चीज़ में काम किया है, दुनिया पर की है, मार्केट पर की है, तभी इस मुकाम पर बैठे हुए हैं। थोड़ा सा सर एक बिज़नेस के बारे में और थोड़ा सा बता दीजिए, मान लीजिए अब जैसे अभी आपने बताया किसी को स्टार्ट करना है तो 25,000 से वो स्टार्ट कर सकता है, थोड़ा सा बेचने की थोड़ी सी आप स्ट्रेटजी कुछ बताना चाहें जो आपको कुछ एक्सपीरियंस हो। कोई भी बिज़नेस में कस्टमर का सेटिस्फेक्शन वो मस्ट होता है। आप कोई भी वैरायटी मेरे यहाँ से लेके जाते हैं, आप अच्छी तरह परख के लेके जाते हैं, लेकिन वो कस्टमर को पसंद नहीं आती है। मैं ये बात अपने स्टार्टअप्स को इसलिए बता रहा हूँ कि मान के चलिए वो मेरे यहाँ से कोई 100 सूट का परचेज करके लेके जाते हैं, 100 सूट का मतलब हो गया 25 सेट। ठीक है, क्योंकि 4 का एक सेट आता है, 25 सेट के अंदर मान के चलिए उनके 2 या 3 सेट नहीं बिकते हैं तो वो चेंज करने की जिम्मेदारी मेरी, वो भी रहेगी, वो भी मैं जिम्मेदारी ये इसी वीडियो की, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी मैं लेने को तैयार हूँ। ठीक है, दूसरा जो इसका बिजनेस करने का जो तरीका है वो ये है कि कपड़े में कोई डिज़ाइन कभी फेल नहीं होता। अच्छा, डिज़ाइन रोज नहीं आते, चलते हैं, चलते रहते हैं, 12-12 महीने डिज़ाइन चलते रहते हैं। क्या होता है, जैसे मैं आपको ये डिज़ाइन दिखाता हूँ जी, अब इसमें क्या है, ये नीचे का हटा दिया, ऊपर का सेम दे दिया, यहाँ पर लाइनें बना दी तो ये डिजाइन नया हो गया, वही थोड़ा सा ऊपर नीचे जाता है, इतना ही फर्क है, बाकी और कुछ नहीं है, बाकी सारा आइटम वही है, कपड़ा वही है, जरी है, इधर आपका वही स्टोन्स आ जाएंगे, इधर आपका धागा आ जाएगा, मटेरियल सारा सेम ही चलता है। डिजाइनिंग इंसान का जो दिमाग है, डिजाइनर जो बनाता है, क्रिएटिविटी सब उस पर डिपेंड करता है, और एक सामने वाले के अट्रैक्शन पे। अगर मैं भी एक ग्राहक हूँ, मैं भी पहले 10 डिजाइन देखूंगा, जहाँ मेरी आके सुई अटकेगी मैं वही डिजाइन लूंगा। मुझे रेट जो है, रेट तो चलो एक नॉर्मल चीज़ रहेगी रहेगी, मगर एक कस्टमर के दिमाग से अगर मैं बताना चाहूँ आपको, अगर मुझे डिज़ाइन यूनिक मिलेगा तभी मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होऊंगा और मैं लूँगा। कपड़े सेलिंग में बहुत अच्छी है, कपड़े के काम में सबसे बड़ा जो हुनर है जी वो है बोलने की कला। बिल्कुल, अगर आपको बोलने की कला आती है, अपने प्रोडक्ट को ढंग से आप डिस्प्ले कर सकते हैं, ढंग से डिफाइन कर सकते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आप नहीं बेच सकते। बिल्कुल, मतलब जो एक्चुअल जो ओरिजिनल सेल्समैन होता है वो अंधों के देश में जाके चश्मा बेच के आ सकता है और गंजों के देश में जाके कंघा बेच के आ सकता है। बिल्कुल सही बात है, सही बात है, कहने के लिए बिल्कुल, मतलब सही है। एक बिजनेस के लिए सबसे प्रायोरिटी है, वो मैंने आपको समझा, बहुत जरूरी है। काफ़ी तरीके का सर सेल्स करने का भी तरीके होते हैं लोगों के बेचने को, काफ़ी लोग बाजारों में भी बेचते हैं, जो नॉर्मल गली में बाजार लगते हैं, कई अपनी दुकानों में बेचते हैं, कई अपने घरों में बेचते हैं, कई बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में बेचते हैं। मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा, हाँ जी, कि जैसे दो चीज़ें इस टाइम पे मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड में हैं, हाँ जी, 1,000 के 4 ठीक है और 1,400 के 4 सूट। अच्छा, 1,000 में 4 सूट, हाँ जी, तो उसमें जो रेंज आती है वो 180 रुपये से लेके और 220 तक की आती है, उसके बीच की, उसकी जो एवरेज आती है वो 200 रुपये की आती है। हाँ जी, 1,000 के 4 सूट बिकते हैं, ठीक है। आप ये सेल जो है पूरी दिल्ली में, आप किसी भी बाजार में, किसी भी मार्केट में जाएंगे, इवन चांदनी में भी अगर आप देखेंगे ना, तो 50 जगह आपको 1,000 के 4 की एवरेज सूट मिलेगी सेल। तो अगर कोई स्टार्टअप अगर इस तरीके का बिजनेस भी करना चाहता है कि उसके पास थोड़ा, मतलब मान के चलिए इन्वेस्टमेंट कम है या वो ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता या ज़्यादा सूटों में लागत नहीं लगा सकता, सेल तो 50 सूट से स्टार्ट कर सकता है, 250 की सेल। 50 सूट से स्टार्ट करेगा तो उसकी इन्वेस्टमेंट आई एवरेज 10,000 की, और अगर उसने मान के चलो 4 से लेके 6 सूट भी रोज के बेच लिए तो महीने के 10,000 वो आराम से 10,000 लगा के कमा सकता है, आराम से, यानी कि डबल
कर सकता है, अपना हाँ प्रॉफिट 10,000 वो निकाल सकता जी। है। दूसरी जो रेंज आती है वो 1400 की आती है, ठीक है, 350 की से। ठीक इसमें है जो एवरेज जाती है 280 से लेके और 330 की जाती है, ठीक है। इसकी जो एवरेज आती है वो 305 की आती है, ठीक है, और 350 रुपये में इसकी बिक्री आती है जी। इसमें जो रेंज में जो सूट जा सकते हैं वो जो मैंने आपको रेंज दिखाई था 300 वाली, पहले 280 से लेके 330 तक की जो रेंज है ना वो इसमें आराम से जा सकती है, ठीक है। एक 330 वाला सूट दीजिएगा। आपको मैं आइटम भी दिखा रहा था, ये देखिए एक थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ मैं यहाँ पे लेडीज सूट्स की जो आइटम मिलती रहती हैं, ये देखिए आप, ये 300 की तक रहेगा, 330 रुपए की रेंज है। तो ये कितनी सेल में अगर जैसे अगर इसमें एवरेज आपको निकालना पड़ेगा 280 से लेकर 330 का। अच्छा 280 वाला सूट भी डालना पड़ेगा और 330 वाला भी डालना मिक्स वैरायटी चलेगी। हाँ मिक्स वैरायटी चलेगी इसके अंदर, 330 भी डालना पड़ेगा 280 भी डालना पड़ेगा। रेट ये आपका जो एवरेज आएगा 300 का आएगा और आप इसकी 350 की सेल लगाइए। मैं चलिए आपकी बात को बड़ी करता हूँ कि आपके दिमाग में इस टाइम पे वीडियो देखने के बाद क्या चल रहा होगा कि अगर किसी कस्टमर ने ये 330 वाला सूट ही निकाल लिया फॉर एग्जाम्पल, तो हमें 50 रुपये प्रॉफिट कहाँ हुआ, हमें तो 20 रुपये प्रॉफिट हुआ। तो अगर 330 रुपये के सूट पे आपको 20 रुपये भी प्रॉफिट हो रहा है तो भी 8% हो गया। बिल्कुल और वो आपके घर से क्या लेके जा रहा है, कम नहीं है। ये मैं आपने जो व्यूअर्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि वो आपके घर से क्या लेके जा रहा है, कुछ नहीं लेके जा रहा, वो आपको 20 रुपये देके जा रहा है और वो आपकी इतनी माउथ पब्लिसिटी करेगा ये सूट उसको रिटेल में 550-600 से कम नहीं मिलेगा। अगर वो 350 का आपके यहाँ से लेके जाएगा तो अपने घर में दिखाएगा, अपने कलीग्स को बताएगा, अपने रिलेशन को बताएगा जी जी। तो जब वो आपका जब देखिए कोई भी बिजनेस में माउथ पब्लिसिटी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आपके नेगेटिव कमेंट्स आते हैं आपके पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं उसी से आपका व्यापार बढ़ता है, तभी आगे चलता है। आज वॉलमार्ट वाला इतनी बड़ी चेन कैसे बना, मैकडोनाल्ड वाला इतनी बड़ी चेन कैसे बना जी, वो माउथ पब्लिसिटी से बना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर ये 330 वाला सूट भी कस्टमर आपका निकाल के ले जाता है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप ये मान के चलिए कि मेरे पास अवेलेबिलिटी की कमी नहीं है, ठीक है। अगर आप ये कहते हैं मुझे तो इसके 100 सूट चाहिए तो मेरे पास आपको एनी टाइम इसके 100 सूट मिलेंगे। यही एक मैन्युफैक्चरर जो होता है मेन कमिटमेंट और मेन जो उनकी एक जुबान जो बोल रहे हैं बिल्कुल यानी कि एकदम करेक्ट बोलते हैं और जो चीज़ आप दिखा रहे हैं वो चीज़ आपको यहाँ पर मिलती है। बाकी थोड़ा सा आपको आज की वीडियो में मैंने मोटिवेशन थोड़ा सा देना था कि यंगस्टर जैसे कि हैं भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, 25,000 से नॉर्मली आप स्टार्ट कीजिए और इजिली जो है पहले महीने मेरे हिसाब से अगर आपका मन है काम करने में, अगर आपकी इच्छा है, आपको अपना नतीजा आपको अपना जो निष्कर्ष है आपको दिखता हुआ यानी कि दिखाई देगा। बाकी अभी के लिए चलता हूँ, यूं ही प्यार करते रहिए हेमंत जोन लाइफस्टाइल को, अच्छी अच्छी मोटिवेशनल वीडियोस आपको लाकर और चैनल पे मैं देता रहूँगा और आप भी थोड़ा सा कमेंट करके बताया करिए मुझे कि मैं और कैसी वीडियो लाऊँ, कैसे कैसे मैन्युफैक्चरर्स से आपको मिलाऊँ, कैसे कैसे आपको नॉलेज दूँ। और बहुत अच्छा सहयोग दिया आज की वीडियो में प्रवीण जी ने, बहुत अच्छे तरीके से जो एक बार फिर आप सबको थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश करी है। आपके व्यूअर्स को एक ही बात बोलनी है जी कि मेरे से अगर आपको जुड़ना है हाँ जी तो आप नॉट एज ए कस्टमर बनके मेरे पास मत आइए, हाँ जी आप ये बन के आइए कि मेरे को राधे राधे टेक्सटाइल की टीम का मेंबर बनना है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप मेरे टीम का मेंबर बनने की इच्छा से आएंगे तो आप ये मान के चलिए आई एम 37 ईयर्स ओल्ड एक्सपीरियंस होल्डर ऑफ दिस टेक्सटाइल मार्केट। 37 मेरी उम्र जो है आज 50 साल की है और मेरे फादर 13 साल की उम्र में एक्सपायर हो गए थे। 13 साल की उम्र से मैं कपड़े की लाइन में हूँ और स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑफ माय कैरियर मैंने स्टार्टिंग मैन्युफैक्चरिंग से की थी। मैंने आज तक अभी जिंदगी में ट्रेडिंग नहीं करी। मैं आपको कपड़े का डिजाइन देख के बता दूंगा ये कपड़ा सूट कितने का है, कोई भी सूट मेरे पास ले आइए और अगर मैं आपको वो सूट बताऊंगा और अगर मुझे चैलेंज करेंगे सूट कितने का नहीं है तो विद इन द पीरियड ऑफ 10 डेज वो सूट मैं आपको बना के दूंगा उस कॉस्ट के अंदर जो कॉस्ट मैंने आपको बताई। तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको अपने करियर को या अपने बिजनेस को आपको स्टार्ट करना है या आपके पास कोई काम नहीं है आपको कोई काम शुरू करना है तो आप कपड़े का काम शुरू कर सकते हैं। कपड़े के काम में कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है कि आपको लगे कि यार मैं शुरू करूंगा मेरा पैसा ब्लॉक हो जाएगा। पैसा ब्लॉक हो जाएगा, आप जिस रेट में मेरे से सूट परचेस करेंगे उस रेट में कॉस्ट टू कॉस्ट बेस के विद इन द पीरियड ऑफ 24 आवर्स आप अपना पैसा खड़ा कर सकते हैं। मेरे रेट ऐसे हैं। अगर आप खाली आवाज़ भी लगा देंगे ना किसी भी मेट्रो स्टेशन पर जाके कि मैंने 300 का लिया था मैं 300 का बेचना चाहता हूँ, लोग छीन के आपसे मेरा सूट ले जाएंगे। तो ये आइटम जो है बिल्कुल यूनिक कुछ आपको आज की वीडियो में दिखाई है। आप जब मेरी टीम का मेंबर बन के आएंगे तो मैं अपने आपकी उम्र मान के चलिए आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन आपसे जुड़ के अगर आपको एक दिन का एक्सपीरियंस है तो आप उस मेरे साथ जुड़ेंगे तो आपका एक्सपीरियंस 37 साल और एक दिन का हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। क्योंकि मैं आपको एज ए कस्टमर डील नहीं करना चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि मार्केट में जिन लोगों ने वीडियो डाला है
वो जो मार्केट में वीडियो डाल के ऑनलाइन लोगों की ना समझी का जी, जिनको कपड़े की लाइन की समझ नहीं है उसका फायदा उठा रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा वीडियो देख के लोगों को मालूम पड़े कि वो काम कर सकते हैं, नॉलेज मिले, तो वो जब एक दिन का एक्सपीरियंस लेके मेरे पास आएंगे तो उसके साथ में मेरा जो एक्सपीरियंस है वो 37 साल और एक दिन का हो जाएगा। बिल्कुल 37 साल का। और मैं उनको एज ए कस्टमर डील नहीं करूंगा, मैं आपको आज इस वीडियो पे बता रहा हूँ, मैं उनको एज ए कस्टमर डील नहीं करूंगा, एज ए मेंबर ऑफ माई टीम ऑफ मैसेस राधे राजा टेक्सटाइल डील करूंगा। ठीक है, और फुल सपोर्ट दूंगा मैं। बिल्कुल अच्छा सर ने बताया है, बिल्कुल पॉजिटिव आपको वीडियो में बताया है और प्रॉपर आपको कॉन्फिडेंस से बताया। आप एक बार इनके साथ जुड़िए, इनके नंबर्स आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बिजनेस के बारे में भी जानना हो तब भी आप इन्हें कॉल पे बात कर सकते हैं, बिजनेस कुछ अगर आपको स्टार्ट करना हो लेडीज सूट्स का। बाकी अभी के लिए चलता हूँ, यही प्यार करते रहिए हेमंत जोन लाइफस्टाइल को। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग हेमंत जोन लाइफस्टाइल। बाय बाय।